वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है दिन संडे और आज संडे है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग साथ एक ब्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने कोई भी ब्लॉग आप लोग साथ शेयर नहीं किया है। और अभी जो टाइम हो रहा है, अभी शाम का टाइम हो रहा है, जस्ट हम लोग अभी चाय वाय पी के उठे हैं। और मैंने सोचा कि अभी जो इसके आगे मैं जो भी करूँगी वो मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। और आज घर में कुछ बनने वाला है नाश्ते में, तो वो भी मैं आप लोग साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आई हुई हूँ किचन में, तो अभी जो किचन में मैं बनाऊँगी, अगर कुछ बनाने में अगर मैं कुछ हेल्प करती हूँ तो वो भी मैं आप लोग साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। मैं उसकी रेसिपी अगर हो सकेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, जिससे कि अगर आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो आपको वो थोड़ा सा तो आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर कोई नया हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरे फेस पे इतना बड़ा पिंपल निकला हुआ है, तो अगर आप में से किसी के भी पास कोई इसका सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि किस वजह से इतना बड़ा पिम्पल मुझे निकला। तो अगर आप में से किसी को भी इसका किसी के पास भी इसका सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या करूँ। और अभी मैं आप लोग शेयर करूंगी कि अभी इसके बाद मैं जो करूंगी वो मैं आप लोग से जरूर से शेयर करूंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। तो चलिए अब देखते हैं बाकी क्या। तो हे एवरीवन, यहाँ मैं बना रही हूँ भाजी और यहाँ बनेगी पाव भाजी। तो सबसे पहले मैंने रख दिया है आलू टमाटर, जो सब्जियाँ होती हैं उनको इस तरह से कुकर में बॉईल होने के लिए। जब वो 4-5 सीटी में अच्छे से इस तरह से बॉईल हो जाएगा तो आपको उसको इस तरह से पूरा मैश कर लेना है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर पाव भाजी कभी बनाएं और आपको लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना हो, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो पितृपक्ष का चल रहा है और हम लोगों के ऐसे में इस तरह से कुछ लहसुन प्याज वगैरह नहीं पड़ती है, तो बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से इसको मैंने पूरा मैश कर लिया है, इस तरह से पूरा ग्रेवी बन गया है। एंड अब मैं इसकी तैयारी करूँगी इसको फ्राई करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है अदरक और लिया है हरी मिर्च और धनिया पत्ती, और इसको मैं अच्छे से पूरा पेस्ट बना लूँगी और उसी के हेल्प से मैं भाजी बनाऊंगी, तभी वो थोड़ा सा स्पाइसी और टेस्टी सा बनेगा। वरना अगर लहसुन वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा तो वो कम अच्छी लगेगी। तो इस तरह से यहाँ मैंने मैं सबसे पहले पूरे इसको पेस्ट इसका बना लूँगी, उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि लहसुन प्याज तो पड़ना नहीं है, वैसे कुछ पड़ना नहीं है। तो यहाँ मैं बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसको मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, फिर उसके बाद इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ जीरा, जिससे कि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए और वो और अच्छा लगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी भाजी को फ्राई करने के लिए। और क्योंकि उसके ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे, अगर आपके पास पाव भाजी मसाला हो फिर आप इसको ऐड कर देंगी, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ इसका पेस्ट बना रही हूँ, और साथ में मैं थोड़ा सा बात भी करते जा रही हूँ, क्योंकि रिचा और मीनू यहाँ थी पास में, तो हम लोग बात भी करते जा रहे थे, हंसते भी जा रहे थे, और साथ में मैं यहाँ इसको रेडी भी कर रही थी। तो इसके बाद यहाँ मैं चढ़ाऊँगी गैस के ऊपर इस तरह से कढ़ाई, और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके बाद आपको डालना होगा बटर। तो आप अगर बटर का यूज़ करेंगी तो जो भाजी का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा, नहीं तो आप कुछ दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, अगर जो आपके पास हो जिस टाइम पे आप वो यूज़ करें। और अगर आप बटर का यूज़ करेंगी तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा सा आएगा। तो यहाँ मैंने ऐड किया बटर, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी जीरा, एंड जब जीरा हो जाएगा अच्छे से तो उसके बाद आप इसमें डालेंगी जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है। यहाँ मैंने जो बनाया था अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, उसको मैं डाल दूँगी।
फिर जब वो पेस्ट अच्छे से हो जाएगा, फिर उसके बाद जो पाव भाजी का पूरा बैटर तैयार था, जो मैंने पहले उबाल के रख लिया था, आलू टमाटर मटर जितनी भी सब्जियां होती हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, उसके बाद जब ये हो जाएगा पेस्ट, तो इसके बाद पाव भाजी मसाला डाल के थोड़ा सा उसको भून के और वो हम पूरा बैटर डाल देंगे। इस तरह से आपको इसको फ्राई करना है तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हाँ, अगर आपको इसका जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा रेड करने के लिए जैसा कि मार्केट में आता है वैसा बनाने के लिए, आप इसमें कश्मीरी जो रेड मिर्च आती है, लाल वाली मिर्च आती है, अगर आप उसको ऐड कर देंगी तो जिसका कलर है भाजी का वो बहुत बढ़िया सा आएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो मार्केट वाला जो आता है रेड कलर में थोड़ा सा आता है, वो उस तरह से लगेगा। तो यहाँ मैं इसको इस तरह से फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ ये देखिए, ये है जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है वो है। ये ज़्यादा तीखा तो शायद नहीं होता है, इससे कलर बहुत बढ़िया सा आता है। अगर आप कभी कोई पनीर या फिर आप भाजी वगैरह बनाएं ये वाली, तो आप इसको ज़रूर से ऐड करें। और इसके बाद ये जो बैटर है इसको मैं इसमें डाल दूँगी और आपको इसको खूब अच्छे से पकाना है जब तक कि, और इसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, इससे कि टेस्ट इसका पूरा बढ़ जाएगा, पूरा इसका जो टेस्ट है वो भाजी वाला आ जाएगा। तो आप इसको डालना बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, आप इसको ज़रूर से डालें तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया सा आएगा। फिर आपको भाजी को खूब अच्छे से 15-20-30 मिनट तक, जब तक कि आपको लगे कि आपकी भाजी की जो ग्रेवी है बढ़िया से ना बन जाए पूरा, तब तक आप इसको इस तरह से चलाती रहें। सो हे एवरीवन, यहाँ मेरी बन रही है भाजी और आज हम लोग बना रहे हैं पाव भाजी। तो यहाँ हम लोग की भाजी रेडी हो चुकी है, ये देखिए कुछ इस तरह से बनी है। और इसके बाद हम लोग पाव सेंक के जब खाएंगे तो आपके साथ वो चीज़ मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से बनी है, और मैं वो भी बताऊंगी कि आप ये पाव भाजी किस तरह से बनी है। और हाँ, मैं आपको बता दूं क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है ये है पितृपक्ष वाला टाइम चल रहा है, और ऐसे में होता है कि हम लोगों के घर में प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। इस वजह से इस भाजी में केवल अदरक और हरी मिर्च और इसी का पेस्ट इसमें डला हुआ है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी है जो कि पितृपक्ष में नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही कम चीज़ों की हेल्प से भाजी बनाई हुई है। तो आप भी कभी इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ भी प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता, अवॉइड की जाती है ऐसे टाइम पे, तो आप ज़रूर से एक बार ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि आप प्याज लहसुन के बिना भी इसको भाजी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करें, जैसा कि आज मैंने बनाया है, बिना प्याज और लहसुन का ही भाजी बनी है। तो अभी मैं इसको खा के आपको बताऊंगी कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा आया। तो आप भी नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी बनाएं तो ज़रूर से ऐसा इसको एक बार ट्राई करके देखें। ये देखिए, यहाँ बन गई है भाजी, पूरी रेडी हो चुकी है। तो इसका आप कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है, और ये जो कलर आया मेन आया है ये कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है उससे आया है कलर। तो आप कभी भी अगर आप भाजी वगैरह बनाती हैं तो आप जो ये कश्मीरी रेड मिर्च होती है ये आप इसको ज़रूर से डालें। और ये रहा हरा धनिया, जो हम जब खाते टाइम इसको ऊपर से इसको डालेंगे तो इसका जो देखने में अच्छी लगेगी, साथ साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और ये रहा पाव, और अब इसके बाद हम इसको बटर में सेंक के और इसको हम जिसको भी खाना होगा उसको हम सर्व करेंगे। तो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी कि जो पाव भाजी है वो किस तरह से बनी है, उसका टेस्ट कैसा आया है। तो आप ज़रूर से एक बार इसको ट्राई करके देख सकती हैं, अगर आपने अभी तक घर पे इसको ट्राई नहीं किया है पाव भाजी, तो आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करें। Thank you.
सो ये देखिए यहाँ रेडी हो चुका है। ये रहा पाव सेंक के रख चुका है, और ये है भाजी। और इसके ऊपर से थोड़ा सा आप इस तरह से बटर ऐड कर सकती हैं, जिससे इसका टेस्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। एंड साथ में ये रहा प्याज और ये रहा नींबू, और इसके ऊपर से आप थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से डाल सकती हैं। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बना था। तो अब हम लोग जा रहे हैं छत चाट खाने। तो अब इसको खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाद गए थे ऊपर इस तरह से टहलने, क्योंकि शाम का जो टाइम था बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हो रहा था। तो हम लोग सोचे कि हम लोग छत जाते हैं, और यहाँ आया था चाट जो सामने ठेला में लगाते हैं, तो वहाँ से हमने चाट लिया था और ऊपर लेकर खाने आए थे। और साथ साथ मैं आपको यहाँ के इस तरह से व्यू दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, मेरा छोटा सा ब्लॉग। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और साथ साथ आपको ये पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी। आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था पाव भाजी। तो आप एक बार इसको ज़रूर से अपने घर में ट्राई करिएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पर कोई नया हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।